है मॉर्निंग का टाइम और मैं बस अपने बालों में कंघी करने जा रही थी और डेली का जो मेरा रूटीन है वो शुरू हो गया है, पर आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, बसंत पंचमी है, तो घर के कामों को ख़त्म करने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ नहाने के बाद और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि बसंत पंचमी में सरस्वती मैया की खास पूजा करी जाती है तो थोड़ी सी तैयारियाँ भी करनी है। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज, एंड मैं भी ठीक ठाक से ही हूँ। तो आप लोगों को टाइटल देख करके तो पता चल ही गया होगा कि क्यों मैंने आज ये येलो येलो वाली साड़ी पहन रखी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज है वसंत पंचमी। तो सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो लोग मेरे वीडियो को डेली वॉच करते हैं, तो उन सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और आज सैटरडे है और सैटरडे को जनरली क्या होता है, हम लोग ब्लैक कलर ही वेयर करते हैं, लेकिन आज बसंत पंचमी है तो इसलिए येलो। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सैटरडे को ऐसे ब्लैक कलर पहना जाता है, लेकिन आज बसंत पंचमी की वजह से मेरे ख्याल से किसी ने शायद ब्लैक कलर नहीं पहना होगा, सभी ने येलो कलर ही वेयर किया होगा। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे होंगे, बस मैंने आज ये येलो येलो वाली साड़ी पहन ली है। तो आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो, एकदम सिंपल है, प्लेन है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और चलो अभी चलते हैं किचन में और कुछ बना लेते हैं प्रसाद। तो क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ मिठाई बनाऊंगी, तो देखते हैं अभी सोचूंगी किचन में पहुंच करके क्या बनाना है। तो चलो चलते हैं और फिर बातें आप लोगों से थोड़ी देर। आद्या ने जैसे ही मुझे रेडी होते हुए देखा ना तो ये भी एक्साइटेड हो गई कि मम्मा मुझे भी न्यू क्लॉथ्स पहना दो, मुझे भी रेडी कर दो। तो मैं इनको भी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ और आज मैं आद्या को भी येलो कलर ही पहनाऊँगी और येलो कलर ना आद्या के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्रीटी लगती है। आद्या भी रेडी हो गई और आद्या भी येलो येलो पहन ली ना, येलो येलो पहनी हूँ। ये देखो येलो येलो फ्रॉक। अद्या कहाँ जा रही है? घुमा नहीं जा रही, आज बोलो बसंत पंचमी है, बोलो हैप्पी बसंत पंचमी। अच्छा सबको हाय कर लो, गुस्सा है पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी इसकी कॉम कर रही थी और इसके बाल उलझे थे ना, तो इसकी वजह से ना ये चिल्ला रही थी जोर जोर से, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ तो अभी मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे भोग बनाना है तो भोग बनाने के लिए किचन साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तभी आप भगवान के लिए भोग बनाओ। तो अभी सुबह नाश्ता वगैरह बना था तो इसकी वजह से गैस चूल्हा जूठा हो गया था, तो अभी साफ़ कर लिया है मैंने। उसके बाद एक साइड मैंने दूध बॉयल होने को रख दिया है और मैं बनाऊँगी खीर। तो अभी मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसमें मैं चावल धुल करके लिए हुए हैं तो इसको डाल दूंगी और थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे, ऐसे ही घी में भूनेंगे और जब चावल अच्छे से भुन जाएंगे तो उसके बाद जो दूध बॉयल हो रहा है उसी में डाल दूंगी और गैस का जो फ्लेम है वो लो रख दूंगी और धीरे धीरे उसको धीमी आँच में पकने दूँगी। तो बहुत बढ़िया सी खीर बन करके रेडी हो जाती है और पर मैं पूरियां बना ले रही हूं, तो जिसको पुजापा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो ये देसी घी में बना रही हूं। तो कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है और ऐसे छोटी छोटी पूरियां बेलेंगे, एकदम छोटी छोटी सी, और इसको बना करके खीर पूरी और मैं उसके बाद लड्डू बना लूँगी देसी घी में ही, तो यही भगवान का भोग हो जाएगा सरस्वती मैया का। और मुझे ज़्यादा कुछ विशेष इस पूजा के बारे में नहीं पता है तो मैं बस भोग में यही रेडी कर रही हूँ और जैसे नॉर्मल सभी देवी देवताओं की पूजा होती वैसे ही होती है सरस्वती मैया की भी, बहुत कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। तो वही हल्दी चंदन टीका सब कुछ लगाने के बाद पूजा कर लेनी है। तो पूरी अभी मेरी तल चुकी है और खीर भी दूसरे साइड रेडी हो चुकी है, तो देख सकते हो कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी खीर रेडी हुई है और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ, काजू बादाम। और चलो भोग की थाली मेरी रेडी हो चुकी है तो आप लोग को दिखा देते हैं भोग के लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। पूरी है, खीर है, लड्डू है और देख सकते हो। चलो अभी चलते हैं पूजा घर में और बस पूजा कर लेते हैं। तो मेरे पास सरस्वती मैया की कोई अलग सी तस्वीर नहीं है, एक तस्वीर है जिसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश भगवान तीनों
तीनों हैं, तो उसी तस्वीर को मैंने रख लिया है और लाल कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर तस्वीर रख दी है और इस तरीके से हल्दी, चंदन, टीका, दीपक, धूप सब कुछ जला दिया है और बस आरती कर लूँगी और भोग लगा दिया है। तो बस हमारी पूजा हो चुकी है और इसी तरह सिंपल तरीके से मैंने आज बसंत पंचमी की पूजा करी हुई है। फ्रेंड्स, अभी मेरी पूजा हो चुकी है और मौसम के हाल अगर आपको बताऊँ ना, तो सुबह तो इतना ज़्यादा ठंड वाला बना हुआ था कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था धूप निकलेगी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकली है, धूप छाँव वाला लगा हुआ है, कभी थोड़ी सी धूप हो जाती है, कभी फिर छाँव हो जाती है। और देखो डबल डबल आज सिंदूर लग गया, रेड वाला पहले ही लगा के रखा हुआ था पूजा करते समय, येलो वाला भी लग गया, बट कोई नहीं, चलो अब चलते हैं, पूजा पाठ हो गया है और अब पेट की पूजा कर लेते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था, सोचा पूजा कर लेंगे और सब कुछ करते करते फिर इतना टाइम हो गया, तो अभी टाइम 10:30 हो रहा होगा, तो अब थोड़ी सी भूख लग रही है, तो चलते हैं पहले नीचे और प्रसाद पहले सबसे पहले खाते हैं, प्रसाद खाने के बाद ही फिर और कुछ खाएं पिएंगे। और पूजा घर से अभी प्रसाद उठा लेते हैं और ले चलते हैं, सबको दे देते हैं, अक्षत को, आद्या को, मम्मी को और मैं। अच्छे से ले लीजिए, एक प्लेट मिलो, जा रही हूँ और दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं 1 बजे मेरा लंच होने जा रहा है और ये मैंने निमोना वाली सब्जी बनाई हुई है, ये आलू मटर की है और ये सोया मेथी की सब्जी है, थोड़ी सी सूखी बनी थी बिना आलू के मम्मी के लिए, और हरी मिर्च है, रोटी है, चावल है, तो बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। और आज दाल नहीं बनाई गई है क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो दाल नहीं बनाई जाती है, और अगर आपको बहुत इमरजेंसी में दाल बनानी भी पड़ रही है तो थोड़ी सी मिक्स वाली दाल बनाए, लाइक मतलब उसमें या चना की दाल डाल दे या फिर कोई थोड़ी सी दाल मिक्स कर दे, तो बस अब मैं खाना खा लेती हूँ, तो खाना खाने के बाद फिर धूप में जाऊंगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर अपना वीडियो वगैरह का कुछ काम करूंगी। सोच रही थी कि पीला पीला ही खाना भी बना लेती हूँ क्योंकि पीले आज सब लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, तो पीला पीला खाना भी बना लेती हूँ, तो फिर पहले मेरे दिमाग में आया कि कढ़ी बनाती हूँ, फिर सडनली चेंज हो गया, फिर मैंने सोचा निमोना ही बना लेती हूँ, तो प्लान करते करते बस रह गई। के बाद खाना खाने के बाद मैं अभी छत पे आ गई हूँ क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है और थोड़ा सा मुझे ठंड जैसे भी लग गई थी, तो मैंने कहा चलो धूप में बैठते हैं थोड़ी देर। तो
अभी मैं ना छत पे आ गई हूँ और ये देखो अपनी खीर भी लेकर के आ गई हूँ। और खाना खाते खाते ना मुझे सच बताऊँ इतनी ज़ोर से ठंड लगी कि फिर मैंने सोचा कि मैं अभी नीचे तो नहीं रुकूँगी, अब मैं सीधा छत पे जा रही हूँ और वहीं पर बैठ करके खीर भी खाऊँगी। और खाने के बाद ना सही बताऊँ मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं खाने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही पर मीठा ज़रूर खाने के बाद खाती हूँ। और किस किस को पसंद है बताइएगा, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पसंद होगा तो खाना खाने के बाद मीठा। तो आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा का जो क्रेज़ होता है वो ज़्यादातर स्कूलों में होता है, क्योंकि मुझे भी अपने स्कूल वाले दिन याद आ रहे हैं कि कितना हम लोग एक्साइटेड होते थे सरस्वती पूजा के लिए, पीले पीले कपड़े पहन करके। और सरस्वती मैया जो है वो विद्या की देवी मानी जाती हैं, तो आज के दिन उन्हीं की पूजा होती है स्कूलों में। और अब तो सब कोई इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, बहुत ख़ास महत्व है। और जो घरेलू लोग होते हैं वो अपना सब लोग गंगा नहाना भी आज के दिन बहुत मान्यता है कि आज के दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए, डुबकियां लगानी चाहिए। तो मैं भी जब अपने मायके में थी तो बहुत ज़्यादा हमारे घर के तो बिल्कुल पास गंगा जी हैं, तो हम भी हर फेस्टिवल में डुबकियां लगाने गंगा जी में जाते थे। तो ये भी आपको बोल विद्याधनम अध्यापकम प्रधानम, मतलब इसका क्या होता है, बैठो बैठो तो मतलब तो बता दो। मतलब इसका होता है कि विद्या धन सभी धनों में सबसे बड़ा धन होता है। और अभी हमें अब क्या करना है, वीडियो का एंड करना है, तो वीडियो पसंद आया दी एंड तो अभी पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आदिया फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।